नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के वीर सैनिकों के अतुल्य साहस के लिए मिले गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं को आज RIMC ऑडिटोरियम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश के लिए जिन्होंने वीरता शौर्य शहादत जिन्होंने दी है, उनके पारिवारिक जनों को और जो स्वयं गैलेंट्री अवार्ड विजेता हैं, आज उनको सम्मानित किया गया है। उनको सम्मानित करके हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनकी शहादत को नमन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों से कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर, तिरंगा लगाकर अमृत महोत्सव आज़ादी का जश्न मनाएं। सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आज हरिद्वार पहुंचे योगी सरकार के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री पंडित सुनील बराला आज पूरे परिवार के साथ सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए उत्तर प्रदेश के जिलों में आई बाढ़ से जल्द राहत मिले, साथ ही भारतवर्ष में फैली कोरोना जैसी महामारी देश से राहत मिले इसकी प्रार्थना की। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी लगातार उस बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पे, जो उत्तर प्रदेश के अभी 20 जिले जो ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो प्रभावित हुए हैं और वहाँ जिस प्रकार से एक बाढ़ का जो दैवीय आपदा है, उस आपदा का भी लिए हमने कामना इसी कोरोना वायरस पूजा से जोड़ा है। और वहाँ पर जो ये आपदा है उत्तर प्रदेश में, तो भगवान शंकर महादेव जी इस पर भी नियंत्रण करेंगे और निश्चित रूप से किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से वो भगवान शंकर जी ने इस बाढ़ का रूप दिया है, वो ऐसे ही समेट लेंगे, ऐसी कामना के साथ पूजा अर्चना। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र स्थित बिंदुखत्ता इलाके में कच्ची शराब, स्मैक, गांजे, चरस की अवैध बिक्री और नशे में होने वाली आपराधिक घटनाओं के खिलाफ लोगों का आक्रोश आज फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद तहसीलदार के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन भेजा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशे का अड्डे, नशे का अड्डे बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशा नहीं रोजगार चाहिए। जो बिंदुकत्ता क्षेत्र में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और एक स्मैक जैसा नशा जो अभी हमारे छोटे युवा बच्चों को बहुत नर्क में पहुंचा दिया है, घर घर में बच्चे बिगड़ चुके हैं, नशे के लत में चोरियां कर रहे हैं, लोगों के बाहर रखे हुए सामान को उठा ले रहे हैं। हमें बहुत डर है इस बात का कि आने अपने अपने घर की तक चोरी कर ले रहे हैं। हमें बहुत डर है इस बात का कि आने वाला भविष्य हमारा नर्क में चला जाएगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन से सख्ती लाए और जो है संज्ञान में ले और नशे को हर क्षेत्र में कैंपेन लगाए और रोटू में जो बैठे रहते हैं इनको जो है थोड़ा और सख्ती से जो है उनको रोकें हर क्षेत्र में। आंदोलन हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। हम पूरे बिंदुकत्ता क्षेत्र से आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। आज युवा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का सब स्मैक के नशे में लिप्त है, चरस के नशे में लिप्त है, शराब के नशे में लिप्त है। हम सरकार से ये मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये तुरंत बाहरी लोगों पर अंकुश लगाए और इसमें जांच करें। कुछ नहीं हुआ। चौकी बनने के बाद तो हर चीज़ में ही छापा हुआ है। बिल्कुल इसको कहेंगे कि हर तरफ नशे की चारों तरफ बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है और हर युवा परेशान है। इसलिए हमने एक मांग उठाई है, युवा को नशे से बचाना है, रोजगार दिलाना है। हम लोग आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जन सैलाब करेंगे। आंदोलन तो 40 साल से कर रहे हैं, अब करेंगे तो सैलाब ही करेंगे। हम सरकार को चेताना चाहते हैं। पूर्व केंद्रीय UKD अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार उत्तराखंड क्रांति दल अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि उपक्रांत 23 को राज्य के ज्वलंत मुद्दों को लेकर मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव करेंगे। आज इसी परिपेक्ष में राष्ट्रीय निर्माण पार्टी से उनके प्रवक्ता रामकुमार शंखधर अपने साथियों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए, जिसमें सुबोध गुप्ता, मुकेश कुमार, निखिल गुरंग, भूपेंद्र सैनी, अशोक रावत, सचिन कुमार, पंकज सैनी, राहुल कुमार, जाहिर अहमद आदि शामिल हुए। अवधारणा थी, उस अवधारणा को भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने 20 सालों में उस अवधारणा को ही नष्ट किया है और उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य की हितों के लिए, इस राज्य की अस्तित्व के लिए उत्तराखंड क्रांति दल फिर संघर्ष करेगा और
उत्तराखंड का अंदर जो 2022 में होने वाला जो दंगल है, जो चुनाव होगा, उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी उत्तराखंड का अंदर करेगा। और क्योंकि उत्तराखंड का अंदर ने राज्य बनाया है, तो सबसे पहले अधिकार उत्तराखंड में सत्ता प्राप्त करने का अधिकार हमारा ज़्यादा है, और उत्तराखंड की जनता पे हमको पूरा भरोसा है। जिससे जनता ने इस राज्य के लिए निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, वही जनता जो है आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। इसलिए उपरांत के जनभवनों के अंदर उपरांत का कहना है जनता से कि वो उपरांत का अगर साथ देते हैं तो निश्चित तौर पे इस राज्य के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। और उत्तराखंड का आंदोलन पूरी तैयारी कर चुका है, 2022 में 70-70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे, और भाजपा कांग्रेस की जो राक्षसी रूप है उसको हम यहाँ से बेदखल करेंगे 2022 के चुनाव में। क्योंकि 2022 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है वो राज्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, भू कानून का सवाल है, मूल निवास का सवाल है, परिवहन का सवाल है, ये बिल्कुल जो तात्कालिक जो मुद्दे हैं ये राज्य की जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं, ये हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न हैं। इन मुद्दों को लेकर के उपरांत जो है जनता के बीच में जाएगा, और 2022 के चुनाव में जो है अपनी जो है मजबूती से जनता के पास। धारचूला विधायक हरीश धामी के धारचूला आगमन पर एक रैली के रूप में सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोलजीवी से धारचूला मुख्यालय तक वाहन और मोटरसाइकिल रैली निकाली। सैकड़ों की तादाद में हरीश धामी के समर्थक सड़कों में हुजूम की शक्ल में नजर आए। चुनाव का प्रचार क्या है माननीय हरीश राव जी ने बोल दिया, तो हम तो चुनाव जो है 24 घंटे चुनाव बोल रहे हैं, क्योंकि हमें चिंता नहीं है, हमने काम किए हैं और हमारा काम बोलता है। लेकिन पिछले 4.5 सालों में हमने जो मेरी नैतिकता थी, मेरी जो जिम्मेदारी थी, मैंने सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया, लेकिन सरकार का जिस तरह का एक नकारात्मक रवैया रहा उससे जनता त्रस्त है। और आज हरीश धामी नहीं, पूरे उत्तराखंड का जनमानस चुनाव के लिए तैयार है, और जनमानस इस बात के लिए तैयार है कि जो इन्होंने घोषणाएं झूठी घोषणाएं करी, जो लोगों को जो है एक भावनाओं से खेला, आज ये जनता मन बना चुकी है कि इनको जो है उखाड़ फेंकेंगे, और 2022 में फिर माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और वो सरकार सर्वहिती सरकार होगी, बेरोजगारों की सरकार होगी और विकास कार्यों की सरकार। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।